नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज एक वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और जो है आपकी अभी हाल ही में शादी हुई है, या आपका अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो आपको करना क्या है, और अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया है तो उसको कैसे डाउनलोड करना है, ये आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसके लिए आपको जाना होगा दोस्तों यहाँ लोक सेवा केंद्र की वेबसाइट पर, और MP लोक सेवा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आपको जाना है। पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था कैसे हम मध्य प्रदेश का स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो नंबर की ज़रूरत होती है, वो नंबर डालने के बाद हमें कैप्चा एंटर करने के बाद जो है आपके सामने जो भी प्रमाण पत्र आप डालने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको मैरिज सर्टिफिकेट का आवेदन जो है डाउनलोड करना है, आपने आवेदन किया था, तो आपको यहाँ जाना होगा, आवेदन की स्थिति जाने। यहाँ जाने के बाद जो है आपको उस पूरे हम कह सकते हैं, अगर आप आवेदित हैं और आवेदन किया हुआ है आपने, और आप देखना चाहते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है, क्या वो लोक सेवा केंद्र से बन के जो है डिस्पोज्ड हो चुका है, किस दिन निकला था, किस तारीख पर, ये सभी जानकारी आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ हमें पंजीयन क्रमांक डालना है, ये हमने पंजीयन क्रमांक डाल दिया है। अब हम जो है यहाँ पर कैप्चा फिल करने वाले हैं। ये कैप्चा फिल करते ही दोस्तों हम यहाँ पर खोजे ये जो बटन दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए ये दोस्तों पूरी जानकारी आ गई है, विवाह का पंजीयन, ये सेवा का नाम है, विवाह का नाम, और आप ये आवेदन का नाम देख पा रहे हैं, पंजीकरण क्रमांक देख पा रहे हैं, समय सीमा की आखिरी दिनांक देख पा रहे हैं, पता आपको दिख रहा है यहाँ पर, और निराकरण की स्थिति आप डिस्पोज यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ नीचे आना होगा। ये देखिए दोस्तों, आप ये जो छह चीज़ें देख पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अभिस्वीकृति, संलग्न, और यहाँ पर जो प्रमाण पत्र आदेश दे रखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते से ये एक दूसरा टैब ओपन होगा, और वहाँ पर जो है आपके विवाह का सर्टिफिकेट, ये आप देख सकते हैं ये, और यहाँ पर लिखा आ रहा है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आप यहाँ से पूरी तरीके से ये वैलिड हो दोस्तों। यहाँ पर आपके जो है आपने फ़ोटो जब आवेदन के समय दी थी, वो फ़ोटो यहाँ पर आ जाती है, और ये जो पूरा मैटर लिखा है दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में लिखा हुआ है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नियम 2008 नियम 10 क्लॉज 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट है, विवाह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। इस आसान तरीके से जो है दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, और डाउनलोड करने के साथ जो है आप इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश शासन ने जो ई पोर्टल चालू किया है, ये पूरी तरीके से वैध है, और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे आप काम कर सकते हैं। हम क्रम बाई क्रम एक एक वीडियो इसके ऊपर बनाते जा रहे हैं, जैसे ऐसे जो जो वीडियो यहाँ पर आता जाएगा, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और भी आप हमें इन फ्यूचर बता सकते हैं किस तरीके की वीडियो आप हमारे चैनल से चाहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।